ई पंप से आप लोग गुब्बारा फुला सके नीचा। एकरे लिए आप एगो फोटो फिल्म की डिब्बी लेला और ओकरे नीचे एगो सुराख बनाला ताकि ऐसे आप खींचे वाला वॉल बना सके। अब दूसर फिल्म का डब्बी ला और ओकरे ढक्कन में एगो छेद बनाला ताकि आप फेंके वाला वॉल बना सका। वे डिब्बी में नीचे आप एगो और छेदा करला ताकि उनमें से आप हवा फेंके खातिर पाइप लगा सकें। अब आप 4 सेंटीमीटर का एगो सेलो टेप ले लें और ओकर 1 सेंटीमीटर का हिस्सा वही के ऊपर चिपका लें। अब ई टेप के लेके पहले वाला डब्बा जो कि खींचे वाला डब्बा रहा, खींचे वाला पंप का डब्बा है, ओकरे छेद के ऊपर लगा लें ताकि ओकर मोड़ल वाला हिस्सा एकदम छेद के ऊपर रहे। अब ई आप लोगों का खींचे वाला बॉल बन गई है जिनमें से आप लोग हवा खींच सकेला। अब यही तरह दूसर डब्बा का ढक्कन ला और ओके अंदर से वैसने टेप चिपका ला ताकि मोड़ल वाला हिस्सा वो छेद के ऊपर रहे। अब ई आप लोगों के समझ सकें जा कि एक दिशा ही ट्रैफिक हवे जहाँ से सिर्फ हवा आ सकेला जा ना सकेला। अब ये ढक्कन के डिब्बा पे लगा लें और एगो 7 या 8 इंच का ट्यूब लेके ओकरे ऊपर लगा दें। ई ट्यूब साइकिल के टायर के अंदर जो लगेला ऊ रहेला। अब एक ढक्कन के ऊपर आराम से लगा दें ताकि ओकरे ऊपर आराम से बैठ जाए। ट्यूब जितना टाइट बैठी पंप उतना अच्छा से काम करी, देखे अच्छा से लगा लें। अब दूसरा डब्बा जिनमें हम लोग फेंके वाला वॉल बना ली जाए वो ट्यूब के दूसरे छोर के अंदर डाल लें। अब एगो कड़क पाइप या नली लें, ओकरे ऊपर गुब्बारा लगा के ओके रबर बैंड से टाइट लगा दें। अब ये पाइप पहले वाला डब्बी जोन की खींचे वाला डब्बी हुए ओकरे नीचे के छेद में लगा दें। अब ये पंप यूज इस्तेमाल करे खातिर तैयार हुए। दोनों हाथ से डब्बा के आगे पीछे करें, ई अपने गुब्बारा के फुला दी। ई पंप से आप गुब्बारा के एक हाथ से भी फुगा सकेंगे। ये पंप अगर आप पानी में डाल के ऊपर नीचे एकर वॉल्व करें तो ये पानी भी काफ़ी दूर तक फेंक सकेला।